हेलो, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर क्लास 10 का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बट इट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, यू सी, टुडे वी डिस्कस चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बिफोर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट्स फर्स्ट, देन वी स्टार्ट। सो फर्स्ट यू सी, दीज आर द मेन पॉइंट्स। क्या क्या है इसमें? फर्स्ट पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वो क्या है पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, ग्राफिकल मेथड, अल्जेब्रिक मेथड, कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इंटरसेक्ट, पैरेलल, कोइंसिडेंट। देन कम्स अल्जेब्रिक मेथड्स सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मेथड्स, देन एप्लीकेशंस। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमको फर्स्ट पॉइंट में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये जो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है? एक इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स मीन्स एक्स एंड वाई हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये टू वेरिएबल्स है। और जो ए बी सी है, जो ए बी सी है, ये क्या है, ये रियल नंबर्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों, ये जो ए है एंड बी है, ये दोनों के हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। कोई एक यहाँ पे ए जीरो हो सकता है, नहीं तो बी जीरो हो सकता है, नहीं तो दोनों जीरो नहीं होंगे। पर दोनों साथ जो स्क्वायर होता है, दोनों साथ ए बी, दोनों साथ कभी जीरो नहीं होंगे। दैट मीन्स इसका स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कब जीरो होगा, जब ए का वैल्यू जीरो होगा और बी का वैल्यू जीरो होगा। तो होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हमको नहीं चाहिए। दैट मीन्स ए जीरो हो सकता है, नहीं तो बी जीरो हो सकता है, नहीं तो दोनों जीरो नहीं होंगे। तो होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट यहाँ पे हमें जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन का दो इक्वेशन आएगा। क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको, ए जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, इसको दो आएगा तो लिखेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस यू वन इक्वल टू जीरो। और एक इक्वेशन लिखेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। जो दो इक्वेशन है, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हो गया जनरल फॉर्म। जो है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है, ए वन एक्स बी वन, यहाँ पे है सी वन, यहाँ पे ए टू बी टू सी टू। सपोज एक इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल जीरो, और एक इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल जीरो, ये दो हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में ए वन हो जाएगा एक्स का कोफिशियंट टू, बी वन हो जाएगा वाई का कोफिशियंट थ्री, और C1 हो जाएगा 5, जो कॉन्स्टेंट टर्म। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा 1 एंड C2 हो जाएगा माइनस 6। ये हो गया दो इक्वेशन जो कि हमको जनरल फॉर्म में हम लिख दिए सेकेंड। देन आएगा जो जनरल फॉर्म में लिख दिए दो इक्वेशन को, इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो आएगा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है, ये मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, इसका दो मेथड है, एक है ग्राफिकल, जो कि हम नाइन्थ में थोड़ा पढ़े हैं, ग्राफिकल मेथड। देन आता है अल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, तो फर्स्ट आता है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड आता है अल्जेब्रिक मेथड। पहले देखो ग्राफिकल मेथड को हम जरा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे। ओके, जो ग्राफ में क्या ड्रॉ करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे,
पैराफ्लीनियर इक्वेशन दिया है। पैराफ्लीनियर इक्वेशन मीन्स टू लाइन्स। सपोज यहाँ पे एक लाइन ऐसे आया और एक लाइन ऐसे आया, तो क्या हो गया, ये आ गया इंटरसेक्टिंग। यहाँ आता है, देखो यहाँ पे आता है कंडीशंस पर पैराफ्लीनियर इक्वेशंस, टू लाइन्स, टू लाइन्स जो होगा तो फास्ट में आ सकता है इंटरसेक्ट ये सिंगल पॉइंट, तो एक ऐसा कंडीशन आ सकता है। नहीं तो ये तो ग्राफ है, ये जो ग्राफ में क्या होगा, दो लाइन आ सकता है ऐसे करके, ऐसे आ सकता है पैरेलल होके। नहीं तो सपोज ए दो लाइन आ जाएगा, ए भी पैरेलल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, पैरेलल हो सकते हैं। थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या है, ये ग्राफ है, सपोज एक लाइन ऐसे आया और एक लाइन उसके ऊपर आ गया, तो हो गया कोइंसिडेंट। सो जब हम ड्रा करेंगे दो लाइन इक्वेशन, दो लाइन देगा पैराफ्लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन का हम जब ग्राफिकली ड्रा करेंगे, आधे ए आ सकता है, नहीं तो ए आ सकता है, नहीं तो ए आ सकता है, तीनों टू लाइन्स हो गया, वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में और एक लाइन हो सकता है, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइन्स। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। सेकेंड आ गया अल्जेब्रिक मेथड, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पैराफ्लीनियर इक्वेशंस, ये थ्री मेथड से हम इसको पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू लर्न दिस वन, फर्स्ट द कंडीशंस फॉर पैराफ्लीनियर इक्वेशंस इन टू लाइन्स। इस कंडीशन क्या है, कंडीशन में ग्राफिकली देखो, यहाँ पे हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, पैरेलल, देन कोइंसिडेंट, ये तीनों को होता है, इसको लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम यहाँ पे किए, ग्राफ में ऐसे आ सकता है, जो पेयर लेने इक्वेशन देगा ऐसे आ सकते हैं, ए आएगा नहीं तो ए आएगा, नहीं तो ए आएगा, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो लिखा है देखो, इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, जैसे देखो सिंगल पॉइंट पे है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कंसिस्टेंट, ओके। और यहाँ पे पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, देखो ये पैरेलल हो गया दो लाइन, सॉल्यूशन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, देन उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। थर्ड आया गया इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, लाइन के ऊपर लाइन है तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ओके, जितना पॉइंट आएगा सॉल्यूशंस आएगा, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट दो आ गया, एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट है और एक है इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, ये दो कंसिस्टेंट है। तो ये जो है, ये जो ग्रीन का लाइन में दिया उसको लिखते हैं हम अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकली होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये जो लिखा है यूनिक सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करने के बाद आएगा, बोले अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये जो ग्रीन में मैंने मार्क किया। देन ये जो अल्जेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग, अल्जेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग है, उसके थ्री मेथड्स है। फर्स्ट देखो, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड क्या है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये जो मेथड हम करेंगे कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज एक एग्जांपल है एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे दिया है टू इक्वेशंस गिवन है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स एक्स और वाई के वैल्यू हमको निकालना है, उसको कौन से मेथड में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, तो हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन से पहले सपोज फर्स्ट इक्वेशन हम लिए, इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिख दिए, इसमें से हमको y पहले निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, क्या होगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, आएगा तो माइनस एक्स, तो y का वैल्यू हो गया 5 माइनस एक्स। अभी क्या करना है, ये जो y का वैल्यू x टर्म में आया उसको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y
इन टर्म्स ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या है, देखो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, y के वैल्यू पुट करना है x का टर्म में जो है, तो 2x प्लस 3 इंटू y के वैल्यू क्या है 5 माइनस एक्स है, माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अभी क्या हो गया 2x प्लस 15 माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अभी देखो ये हो गया 2x माइनस 3x माइनस एक्स, 15 माइनस 7 प्लस 8 इक्वल टू जीरो। अभी क्या होगा माइनस एक्स यहाँ पे रखो, इसको राइट में ले आओ तो आ गया माइनस 8, दोनों साइड को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू आ गया 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। अभी क्या करना है, x का वैल्यू आने के बाद हमको जो भी इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y आ जाएगा क्या, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन वन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में से आया है तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स का वैल्यू है 8, इक्वल टू आ गया माइनस 3। तो x क्या आ गया, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू माइनस 3 आ गया सॉल्यूशन अ पेयर ऑफ लीनियर। सेकेंड क्या है, सेकेंड में है एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम कैसे एलिमिनेशन मेथड में करेंगे, देखो ये बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड, उससे भी इजी है। तो क्या करना है हमको एलिमिनेशन में, क्या करना है जो कोएफिशिएंट है एक्स और वाई का, जो कोएफिशिएंट है पहले उसको हमको इक्वल करना है। कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन वन में एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो, टू में 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो एक्स का कोएफिशिएंट इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इजीली इसको 2 कर सकते हैं इस इक्वेशन में x को। नहीं तो यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, हम इजीली कर सकते हैं इसको 3 भी कर सकते हैं। तो इसको इक्वल कर सकते हो, नहीं तो इसको इक्वल कर सकते हो। देखो पहले हम x को इक्वल करते हैं, तो क्या होगा, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने से जो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 1 में हम 2 मल्टीप्लाई कर लिए पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो गया 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन 2। क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वल हो गया तो कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई कर लो, सेम जो इक्वेशन था वही रहेगा। तो क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। देखो अभी क्या करना है, कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट का सेम साइन है, ये जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम साइन है और ये दोनों इक्वल है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। साइन देखो कोएफिशिएंट इक्वल साइन अलग होगा तो ऐड कर लेंगे, इजीली कट जाएगा। देखो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अभी देखो 2x माइनस 2x जीरो कट गया, ऐसे भी कट सकते हैं हम। यहाँ पे प्लस 2y माइनस 3y तो माइनस वाई, माइनस 10 प्लस 7 ये प्लस हो गया माइनस 3 दैट इक्वल टू जीरो। अभी देखो माइनस वाई इक्वल टू ए 3 इधर चला जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस 3। वाई आ गया, वाई को क्या करना है, जो भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो जहाँ भी हम पुट कर सकते हैं, देखो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। देखो 1 में पुट करते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है माइनस 3, ऐसे लिख दिया माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अभी क्या करना है, एक्स माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 8। तो एक्स आ गया 8, वाई आ गया माइनस 3, आ गया सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो वैल्यू हमको मिला था हम यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड में वही वैल्यू आ गया, क्योंकि सॉल्यूशन सेम होगा। ये हो गया सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड हो गया एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो मेथड है इसके जो प्रोसेस है कैसे हमको याद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जो एक फॉर्मूला है हम उसको कैसे याद करेंगे अभी बताता हूँ। ये बहुत ईजी है, थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा इजीली। देखो एक इक्वेशन है a1x
प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, हमको फॉर्मूला लिखना है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स बाई समथिंग लिखेंगे, इक्वल टू वाई बाई समथिंग लिखेंगे, इक्वल टू वन बाई समथिंग लिखेंगे। ये समथिंग क्या है इसको मैं बताता हूँ। देखो जब एक्स यहाँ पे है, हमको क्या करना है, ए दोनों को क्लोज कर लेना है। पहले देखो क्लोज कर लिए, ताकि क्या बचा, ए दोनों बचा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से यहाँ ये जो बी वन सी टू है लिखो, माइनस लिखो, फिर यहाँ से यहाँ ये दोनों को बी टू माइनस बी टू सी वन हो गया। नेक्स्ट वाई को लिखना है तो वाई को क्लोज कर लो, नेक्स्ट सी के बाद ए, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हम इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, ए देन बी देन सी। पहले हम ए को क्लोज किए, बी सी आ गया ऑर्डर में, बी को क्लोज किए, उसके बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा साइक्लिक ऑर्डर में, सी देन ए, तो सी ए सी वन ए टू माइनस, क्लोज कर लिए, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, सी टू ए वन। देन क्या करना है, लास्ट को क्लोज करो, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए वन बी टू माइनस, इसको क्लोज करो, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए टू बी वन। यह गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट वैल्यू ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये हो गया एक्स का। सिमिलर वाई का क्या होगा, ए वाली इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये आ गया एक्स के वैल्यू, ये आ गया वाई के वैल्यू। तो हमको डायरेक्टली ए याद कर लेना है, नहीं तो ए वाला पुट करके भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम होगा। यहाँ पे वैल्यू पहले पुट कर लेंगे, करने के बाद यहाँ पे ले जाएंगे। ओके इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। द कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू, दैट इज टू लाइंस एंड क्वांटिटीज, कंडीशंस इट इज ग्राफिकली एंड इट इज अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, बट व्हेन टू इक्वेशंस गिवन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, टू इक्वेशंस हमको दिया है, पूछा है कि हमको दिखाना है कोई इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट होता है कि पैरेलल होता है कि कॉन्सिस्टेंट होता है। इसके लिए कंडीशन है क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को चेक करके हम बता सकते हैं कि जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो सकता है, नहीं तो पैरेलल हो सकता है, नहीं तो कॉन्सिस्टेंट हो सकता है। पूछेगा कि ये इनिशियलाइजेशन है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि इनिशियलाइजेशन है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्या करना पड़ेगा हमको, थ्री कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में ए वन बाई ए टू इफ़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, और हम को लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन से एक ही सॉल्यूशन उसका आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये जो है ए कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या होगा, होगा पैरेलल। पैरेलल मीन्स क्या है, उसको हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, पैरेलल होगा उसको हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, और ये होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, हम लिखे हैं इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स लाइन्स, यहाँ पे आएगा पैरेलल लाइन्स। ओके देन थर्ड, थर्ड में क्या है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीनों का रेशियो सेम हो गया, तो ये होगा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन्स, लाइन्स कोइंसिडेंट होगा। इसमें क्या है, इसमें होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वो होगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ओके ये थ्री कंडीशन सबको याद करना है। क्या होगा, जो भी दो इक्वेशन पूछेगा जो लीनियर इक्वेशन, हम उसको चेक करके बता सकते हैं। सपोज कि एग्जांपल है लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट लाइन को दे देता हूँ,
एक एग्जाम्पल है 2x-3y+5=0, x+3y-3=0। यहाँ पे क्या है देखो, a1 = क्या है 2 है, b1 क्या है -3 है, c1 क्या है 5 है। पहले हमको इसे लिखना है, देन सेकंड में क्या है a2 = 1, b2 = 3, c2 = -3। अभी चेक करना है, देखो a1 / a2 निकालो क्या है 2/1, b1 / b2 -3/3 क्या हो गया है, a हो गया 2, a हो गया -1, c1 / c2 = 5/-3। देखो यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे आता है -1, यहाँ पे आता है -1। तो ये कंडीशन में देखो फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई, a1 / a2 ≠ b1 / b2, ए वाला हो गया तो यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ a1 / a2 ≠ b1 / b2। तो क्या हो गया, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसको हम बोल सकते हैं ग्राफिकली बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इच अदर। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे कंडीशन में, यूनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है यूनिक सोल्यूशन और वो है कंसिस्टेंट। ओके, तो ये हम इक्वेशन देख के पता कर सकते हैं। तो में क्या है एप्लीकेशंस टू वर्ड प्रॉब्लम्स, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, देन उसको सॉल्व करना है। क्या क्या हुआ एप्लीकेशन में हम पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट, नंबर्स, फ्रैक्शंस, एजेस, टाइम डिस्टेंस, स्पीड एंड मिसल, सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी कैन फर्स्ट वी फॉर्म इन टू लीनियर इक्वेशंस देन वी सॉल्व, लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देन वी सॉल्व। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस, सो दिस मेथड्स वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियोस, बेस्ट ग्राफिकल मेथड, अल्जेब्रिक मेथड एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई विल मेक सो मेनी वीडियोस ऑन दिस चैप्टर व्हिच विल बी इजी फॉर यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, keep smiling, God bless you.